Welcome students to today's chemistry class. Today we discuss the some basic practice questions regarding the chapter principal extraction and isolation of the elements. Before we go to the questions bank and questions components which were we completed in your class copy, let's discuss the first the syllabus point of view, which are UT second based on. The paper are divided into three parts. The part number first is short answer. The short answer is the based on question number 1 to 15, and the chapter is extraction. Second is chemistry every lab, and third is polymer. So there are the three chapter based on short answer. Short answer question number 1 to 15. Part number second, passage. The passage question number 16 to 20, or the chapter is electrochemistry. So there are some small passages, very small passage on the electrochemical parts. Next, the third portion is the numerical. The numerical is the starting point 21 to 25, and the chapter is solution. So there are the basically five chapter programs on UT. The numerical component is the solution, and electrochemistry for the passage, and three chapter regarding to the short answer, extraction, chemistry in everyday life, and polymer. So these are the basic information regarding the UT second. So everyone complete the chapter in the proper way, and watch the video lectures passing on in the chapter based on, or then starting the today's parts. So today parts is the practice questions regarding the principal extraction. So ye jo questions aapke samne aayenge, इनका डेफिनेट रिलेशन आपके पास इस चैप्टर से डेफिनेट रहेगा. तो अगर आप इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर मिलेंगे. तो ये भी जो 15 क्वेश्चन आपके पास बटा हुआ वो भी ऐसी है, 5, 5 और 5, यानी कि 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं आपके पास. तो इक्वली बढ़ गया, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, एंड देन 5 एंड देन अगेन 5. तो ये जो 5 क्वेश्चन है वो डबल हो जाएंगे. तो इस तरह से 10-10 मार्क्स के होते चले जाएंगे. अगर आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है तो किसी कोई भी 2 या 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, वही आपको यहाँ पे पास करा देगा. थैंक यू. द नेक्स्ट सेशन फॉर टुडेज लेक्चर इज क्वेश्चन. तो देर आर द लॉट्स ऑफ द क्वेश्चन कमिंग ऑन इन दिस. चलिए करते जरा स्टार्ट. प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास किससे प्रैक्टिस क्वेश्चन है? प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. देखिए पहला बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको जरूर करनी चाहिए, क्लास कॉपी में करनी है, और जो हमारा लाइव सेशन है सभी के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, सभी के लिए लाइव सेशन है. इन क्वेश्चन को आप एक एक करके सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट है वो क्वेश्चन आप लाइव सेशन में जरूर पूछिए सभी के लिए. तो अगली बार जब भी हम लोग लाइव सेशन में जाएंगे तो हमें इस तरह के क्वेश्चन के साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है आप जरूर पूछिए. सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि लाइव सेशन में जरूर पार्टिसिपेट करिए. तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मिनरल्स, दूसरा हो गया डिफाइन ओर, थर्ड हो गया आर द ऑल मिनरल्स आर ओर. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आर और मिनरल्स ओर, और ये भी यहां पे ये भी बोला जा सकता है ये है क्यों ऐसा, क्या सारे के सारे मिनरल ओर हैं या फिर सारे के सारे ओर मिनरल हैं, और इसके ऊपर क्या आप बता सकते हो. ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर पॉइंट में काफी गया आया हुआ. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्हाट इज गैंग, गैंग हम किसे कहते हैं, और कहीं पे भी एग्जांपल नहीं लिख रखा. जब भी आप क्वेश्चन करें तो एग्जांपल के बेस पे जरूर जाएं. नेक्स्ट अगला हो गया डिफाइन मेटलर्जी, मेटलर्जी किसे कहते हैं, मेटलर्जी के कंपोनेंट क्या है, मेटलर्जी आपके पास. बाकी जो क्वेश्चन इसी से बनते हैं ये टॉपिक सारे के सारे तैयार आपको कर लेने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव द एग्जांपल ऑफ मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ. तो मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ द अर्थ आप किसे कहते हैं, कौन सा मेटल आपके पास अबंडेंट फॉर्म में मिला करता है. क्वेश्चन नंबर 7, विच टेंशन मेटल, ये भी मैंने आपको पहले भी चैप्टरों के बीच में भी दिया था, चैप्टर के बीच में भी ये क्वेश्चन आपके पास आ चुका है. तो टेंशन मेटल कौन सा है, कहाँ पे मिल रहा है, जो कि रूबी के फॉर्म में मिलता है. तो वो कौन सा टेंशन मेटल है जो कि रूबी के फॉर्म में मिला करता है, ये रूबी के अंदर प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड. तो ऐसा कौन सा ओर है जिससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो देखिए एक मेटल ये आ गया. तो इसी तरह से सारे के सारे मेटल आपके पास आते चले जाएंगे, भले ही वे एक एक कुल मार्क्स के क्वेश्चन के बेस हो. अगला देखिए, नेम द ओर यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. ये देखिए अब आयरन के बेस पर आपके पास है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुके होंगे. चलिए फ्रॉम द विच ओर इज द कॉपर. चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट इज जिंक. चलिए नेक्स्ट इसके अलावा कौन सा बचता है, इसके अलावा देखिए 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट आ चुके हैं. इसके अलावा आपके पास सिल्वर और गोल्ड भी आपको कर लेने चाहिए,
और एनसीईआरटी में चेक कर लीजिए क्या इसके अलावा कोई और भी मेटल है, और ये सारे के सारे एक लिस्ट के बेस पर आप फॉर्मुलेटिव फॉर्म में लिख सकते हो। ये सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मुले के बेस पे इनके ओर को बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, तो उस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। क्या पूछा गया? व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम किसे कहा करते हैं और किसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की प्रोसेसिंग को। नेक्स्ट एग्जाम्पल सभी क्वेश्चन में कंपलसरी है, सभी बच्चे एग्जाम्पल के बेस पे ही एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको हर बार मिलेगा। मैंने आपको बोला था कि अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा इसके क्वेश्चन बैंक के बाद, या आपके पास जो इस साल में आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स में, जो पांच चैप्टर में क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड में आए हुए हैं, मैं उसका आपके लिए सोल्यूशन प्रेजेंट करूंगा पांचों के पांचों चैप्टरों की। तो उसमें आप देखेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपके पास बेसिकली दो जगह में डिवाइड होता है। एक तो आपके पास है रिफाइनिंग में, ये प्रिंसिपल आपके पास है, एक तो रिफाइन में। तो रिफाइन में जो डिफरेंस आता है वो आता है आपके पास इम्प्योरिटीज वर्सेस मेटल के बीच में, और दूसरा है आपके पास ओर कंसंट्रेशन। तो ओर कंसंट्रेशन में भी है, ओर कंसंट्रेशन में आपके पास प्रिंसिपल पूछे जाते हैं जिसमें गैंग और ओर के बीच में डिफरेंस है, और रिफाइनिंग में इम्प्योरिटीज और मेटल के बीच में डिफरेंस जाता है। तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में प्रिंसिपल आपके पास क्या है। तो यही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे भी क्रिएट किया गया कि प्रिंसिपल क्या है। तो क्या है? राइट द प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसके अलावा आपके पास चार पांच प्रोसेस इसमें और थे, चार प्रोसेस हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड देन फ्लोरोप्लोटेशन, और साथ में लीचिंग भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। तो इनके अंदर आपको प्रिंसिपल अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फ्लोरोप्लोटेशन उनमें से एक भी है जो फ्लोरोप्लोटेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट आर कलेक्टर। अब आप देखिए कलेक्टर के भी उसमें लैंग्वेज क्या दी, व्हाट आर द कलेक्टर यूज इन फ्लोरोप्लोटेशन प्रोसेस में। तो व्हाट आर कलेक्टर यूज इन फ्लोरोप्लोटेशन, नेम एनी वन कलेक्टर। अब एक कलेक्टर आपके पास है, केवल एक कलेक्टर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एनी वन। तो इसके अलावा आपके पास कहीं पर कोई एग्जाम्पल मिलता है तो उसको भी आप यहाँ पर लिखिए, अरेंज करिए अपने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बार पेपरों में मिलेगा आपको, बहुत बार। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपको पास मिलेगा। तो तीनों को तीनों फ्लोरोप्लोटेशन के तीनों पार्ट इसमें आ चुके हैं। तो पहला आपके पास क्या है, कलेक्टर। देन दूसरा देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोथ स्टेबिलाईजर। फ्लोथ स्टेबिलाईजर का रोल क्या, ये वर्ड जो है ना रोल, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत। ये वर्ड रोल, इस क्वेश्चन को आप डिस्कस करिए मेरे साथ। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्लोरोप्लोटेशन इन किसमें फ्लोरोप्लोटेशन प्रोसेस में, रोल पूछ रखा है। वहां पर क्या पूछ रखा है, एक एग्जांपल, यहाँ व्हाट आर कलेक्टर्स यूज्ड। यहाँ पर देखिए ये यूज्ड में, क्वेश्चन को जरा समझदारी से करिएगा इन क्वेश्चन को, यूज और यहाँ पे क्या है रोल। तो रोल क्या है, स्टेबिलाईजर का। तो रोल क्या है, स्टेबिलाईजर का। देखिए इसमें एग्जाम्पल नहीं दे रखा, तो आपकी ड्यूटी बनती है यहाँ पे एग्जाम्पल आप जरूर करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द रोल ऑफ द डिप्रेशन इन एक्सट्रैक्शन। रोल डिप्रेशन का, रोल एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या है, और साथ में ये भी बोलेंगे कि कौन सा ओर इसमें शामिल कर देते हैं, कौन सा ओर स्रोत में जाता है, कौन सा ओर यहाँ पर प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला आपके पास क्या है, डिफाइन कैंसिलेशन। कैंसिलेशन किसे कहते हैं, कैंसिलेशन की प्रोसेसिंग क्या, कैंसिलेशन कहाँ पर होती है, ये जनरल आपको क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास हो गया, व्हाट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग हम किसे कहते हैं, रोस्टिंग की फॉर्मेशन किस तरह से प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 19, What do you mean by pyrometallurgy? Pyrometallurgy हम किसे कहते हैं, pyrometallurgy का रोल क्या है, कौन से मेटल यहाँ पर pyrometallurgy का जो यूज होते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास काफी है। इनमें डिफरेंसेस आप तैयार कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके पास हो जाना चाहिए। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आपको मिलते ही मिलते हैं इनके ऊपर। तो कैल्शियम और ऑस्टिडेशन में अगर आपने डिफरेंस कर रखा तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और अगला आपके पास है, व्हाट डू यू मीन बाय पायरोमेट्रोलॉजी। पायरोमेट्रोलॉजी आप किसे कहते हैं, कहाँ पे इसका यूज है। एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 20 काफी बार पूछा जाने वाला कंपोनेंट है, स्लैग हम किसे कहते हैं, स्लैग की क्लासिफिकेशन क्या है। अगर आप क्लासिफिकेशन इसमें जानते हैं या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है तो वो भी आप इसके ऊपर लिखिए। तो ये फर्स्ट 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करिए और अच्छी तरह से करिए ताकि किसी भी लेवल में कोई इस चैप्टर में कंसेशन आप ना मिल सकें। तो ये क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके पास है, इन क्वेश्चनों के कलेक्शन मैंने आपको पहले भी दिए होंगे और इसी तरह के क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको और आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कॉपरमेट। व्हाट कंपोजिशन क्या है कॉपरमेट, ये क्वेश्चन आपको बहुत मिला करते हैं। तो कंपोजिशन कॉपरमेट की कंपोजिशन आपके पास क्या हुआ करती है। नेक्स्ट गिव द नेम ऑफ द सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आपको कहाँ पर मिला करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को मिलने के लिए आपके पास कौन से एलिमेंट हुआ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट को पता करने के लिए आपके पास एलिंगम डायग्राम है, तो आप एलिंगम डायग्राम के बेस पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आर ए इज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एक्सप्लेनिंग सम कॉमन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द टीडी? टीडी आपके पास क्या? थर्मोडायनेमिक, तो टीडी इज द थर्मोडायनेमिक, तो व्हाट इज द टीडी मींस थर्मोडायनेमिक क्राइटेरियाज क्या है? तो क्या है क्वेश्चन नंबर 23, बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में, व्हाट इज द टीडी क्राइटेरियम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? तो टीडी के अलावा आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिकल पार्ट भी आपका पूछा जा सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बहुत, क्या हाउ इज ईडी? ईडी क्या है? ईडी की शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या? एलिंगम डायग्राम, इट इज ईडी, ईडी इज एलिंगम डायग्राम, टीडी इज थर्मोडायनेमिक, ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं। तो हाउ इज एलिंगम डायग्राम हेल्पफुल इन द मेटलर्जी? एलिंगम डायग्राम किस तरह से हेल्प कर सकता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नेम द फर्नेस यूज इन एक्सट्रैक्शन। फर्नेस, अब देखिए एक अलग क्वेश्चन क्रिएट हुआ, फर्नेस कौन सा यूज होता है एक्सट्रैक्शन में, किसमें? आयरन में। सेम उसी तरह से आप इसके अलावा कोई भी मेटल आपके पास है तो उस मेटल को भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर में कौन सा है, एल्यूमिनियम में कौन से है, ये फर्नेस आपको जरूर पता होनी चाहिए सभी मेटल्स के लिए। चलिए जी अगला क्वेश्चन, तो एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के अलावा फर्नेस पूछा जा सकता है आयरन में, आयरन में आपने पूप बता दिया है। नेक्स्ट इज नेम द रिएजेंट विच रिड्यूस आयरन। देखिए क्वेश्चन देखिए, नेम द रिएजेंट विच रिड्यूस आयरन ऑक्साइड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में कौन आयरन ऑक्साइड रिड्यूस करा सकता, कौन सा एलिमेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर यही क्वेश्चन को आपने हाई टेम्परेचर में डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 एंड 27। तो देखिए जरा, विच रिएजेंट रिड्यूस आयरन ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने वाला कौन सा कंपोनेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ द लाइमस्टोन इन मेटलर्जी? रोल, लाइमस्टोन का रोल क्या है मेटलर्जिकल कंपोनेंट में? रोल, ये रोल आपको बहुत सारा काम करना होगा रोलों के ऊपर। नेक्स्ट आप इस तरह के रोलों के ऊपर जो जहां जिस क्वेश्चन में आप रुक रहे हो, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि लैब कन्वर्सेशन जो हमारी आएगी ट्यूसडे को अंदर बॉयज साइट में, तो वो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप पार्टिसिपेट करिए कि किस तरह से हम इसे करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जीके में आने वाला क्वेश्चन में का पार्ट है, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म आपके पास क्या है? अभी आयरन के है, क्या इसके अलावा भी कॉपर में भी पूछा जा सकता है? क्या इसके अलावा एल्यूमिनियम में भी पूछा जा सकता है? क्या इसके अलावा अदर कोई मेटल में भी पूछा जा सकता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गिव द नेम ऑफ फर्नेस यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ये देखिए, तो कॉपर के ऊपर भी एक्सट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, एल्यूमिनियम के ऊपर आ चुका है, आयरन के ऊपर आ चुका है, तो कौन सी फर्नेस, इन फर्नेस को भी आप लिस्ट बना लीजिए कहाँ कहाँ पर आपके पास फर्नेस यूज हुआ करती हैं। तो ये थी आज के पास इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने पहले दे दी थी कि पेपर आपके पास 3 सेक्शन में बटा हुआ, सारे के सारे इक्वल मार्क्स के हैं, ये याद रहे, इक्वल मार्क्स, इक्वल मार्क्स, इक्वल मार्क्स हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इसके, 5 5, तो सारे के सारे इक्वल मार्क्स, 5 और 5, तो सभी चैप्टर इक्वल मार्क्स के हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जिस चैप्टर में कॉन्फिडेंस ना हो वो कॉन्फिडेंस आप गेन करिए, स्लो आइए, 5 चैप्टर में से 3 चैप्टर भी आपने क्रैक कर लिए अच्छी तरह से, और अगर छोटे चैप्टर भी आपने क्रैक कर लिए तो आपकी एडवांटेज इन पेपरों में आपको 100% मिलेगी। तो लेकिन ये चैप्टर आपके किसी भी हिसाब किताब से किसी भी एंगल से शॉर्ट नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए अगर आपने कोई 2 चैप्टर छोड़े हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन बैंक फॉर प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन। अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप कलेक्शन करते हो और साथ में आंसर देते हो और क्वेश्चन पूछते हो लाइव सेशन में, तो आपके चैप्टर तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई डेप्थी चैप्टर नहीं है, ये आपके पास छोटे चैप्टर हैं और आराम से, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें जो आपको लर्न आउट कर सकते हो और सीख सकते हैं इन क्वेश्चनों से। लाइव सेशन में आइए, लाइव सेशन में आपके पास इन क्वेश्चनों का जवाब लीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चन का कलेक्शन अभी आपके पास और आने वाले हैं, ये क्वेश्चन सेकंड में, देन उसके बाद में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपरों को आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में हमने 15 नंबर में से क्या क्या चीजें सॉल्व कर ली, कितने नंबर के हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके पास अगला वाला वीडियो लेक्चर आने वाला है क्वेश्चन बैंक के बाद, उसमें आपने इन क्वेश्चनों को और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में जाएंगे, तो हम लोग लगभग 50 क्वेश्चनों के आसपास इन क्वेश्चनों का कलेक्शन करेंगे जो कि लास्ट के 5-6 सालों के अंदर आए हुए हैं। तो होप सो दिस क्वेश्चन आर द हेल्पफुल टू इंक्रीज यूर नॉलेजिबिलिटी टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी इन योर प्लेस। होप सो दिस इन्फॉर्मेशन टू हेल्पफुल टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और थैंक यू टू ऑल एंड हैप्पी टू यू ऑल, बाय बाय एंड डबल नमस्ते टू यू, थैंक यू।